चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश यादव ने रघुआ भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के टिकट से आजमगढ़ से चुनाव लड़े थे और वो बुरी तरीके से आजमगढ़ से हार चुके हैं। जी हां, जिसके बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काफी ज्यादा शोक की लहर है और हर कोई अपने अपने प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर व्यक्त करता हुआ नजर आ रहा है। इस पर भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर निरहुआ के हार के बाद प्रतिक्रिया जाहिर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, कोई बात नहीं निरहु, अगली बार फिर मौका मिलेगा। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि आपने आजमगढ़ के लोगों का दिल जीता है, आप सच के साथ हैं, अगली बार फिर कामयाब होंगे। जिसके बाद यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हर कोई इस ट्वीट को भारी मात्रा में सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पवन सिंह ने सुपरस्टार निरहुआ के लिए चोर शोर से आजमगढ़ में रैली किया था और पवन सिंह ने निरहुआ के लिए आजमगढ़ की सड़कों पर वोट मांगते हुए भी नजर आए थे। यानी कि निरहुआ के लिए पवन सिंह ने जिस तरीके से चुनावी प्रचार किया था, उससे उम्मीद लगाई जा रही थी कि निरहुआ आजमगढ़ से चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि निरहुआ ने भी अपने पूरा जान शोर से चुनाव प्रचार किया था। आपको बता दें कि निरहुआ के लिए प्रचार प्रसार के लिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से छोटे से बड़े दिग्गज कलाकार ने आजमगढ़ की गलियों में नजर आए और सभी लोगों ने दिनेश यादव निरहुआ के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। लेकिन फाइनली दिनेश यादव निरहुआ आजमगढ़ से हार चुके हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने दिनेश यादव निरहुआ को करीब 2.5 लाख वोटों से हराया है। यानी कि निरहुआ का संसद जाने का सपना पूरी तरह से टूट चुका है। अब देखना यही होगा कि क्या 2024 में दिनेश यादव निरहुआ एक बार फिर से आजमगढ़ से अखिलेश यादव के खिलाफ खड़ा हो पाएंगे, या तो अभी कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन निरहुआ के चुनाव हारने से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काफी ज्यादा दुख की लहर है और निरहुआ के फैंस काफी ज्यादा उदास नजर आ रहे हैं।